फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एबीपी धर्मा लाइव की स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर, आपके बोलते हुए नाम के आधार पर आपका राशिफल, और इसके साथ साथ ही आपको बताएंगे आपके मूलांक के आधार पर और आपके बोलते हुए नाम के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जो आपके लाइफ को सिंप्लीफाई कर देंगे। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे शुभाशुभ के बारे में, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ। तो शुभ को अपनाना है और अशुभ को टाल देना है। रंगों के बारे बताएंगे, मूलांक के बारे में बताएंगे, अंक के बारे में आपको बताएंगे कौन सा रंग, कौन सा मूलांक, कौन सी दिशा, कौन सा समय आपके लिए शुभ है, कौन सा रंग, कौन सी दिशा, कौन सा मूलांक आपके लिए अशुभ है। तो शुभ को अपनाना है और अशुभ को टाल देना है। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको जानकारी देंगे कैसे स्पेशल उपाय की, नामांक स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बस चुटकियों में सॉल्व कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ में। तो दिन है सैटरडे का यानी शनिवार का, तारीख है 13 अप्रैल 2024, तिथि रहेगी पंचमी, इसलिए तिथि अंक रहेगा 5, नक्षत्र रहेगा मृक्षरा, मंगल का नक्षत्र, इसलिए नक्षत्र अंक भी रहेगा 5। दिन का मूलांक यानी कि रेडिकल नंबर जो है वो रहेगा 4, और दिन का कंपोजिट नंबर यानी कि भाग्यांक रहेगा 7। इसलिए 4 के प्रयोग को, 7 के प्रयोग को और 5 के प्रयोग को आप बढ़ाइए, उससे आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। दिन का सबसे शुभ कलर जो रहेगा वो रहेगा सिलेटी यानी कि ग्रे, और अशुभ रंग रहेगा मरून, डीप रेड कलर। तो सिलेटी को जब यूज करिए और मरून कलर को थोड़ा सा इस्तेमाल ना करें। दिन की सबसे शुभ दिशा रहेगी ईशान, इसलिए कोई भी अगर आप काम करते हैं अगर ईशान मुखी होकर के करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और दिन की अशुभ दिशा रहेगी पूर्व, इसलिए पूर्व दिशा के ट्रेवल करने से बचें। साथ साथ में कोई भी खास इंपॉर्टेंट काम जो हो वो पूर्व मुखी होकर के ना करें, कोई शुभ कार्य पूर्व मुखी होकर ना करें। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 11:48 से लेकर के दोपहर में 1:58 तक। इस समय पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा। और दिन का सबसे अशुभ समय रहेगा सुबह 9:10 से लेकर 10:46 तक। इस समय पर कोई भी इंपॉर्टेंट और शुभ काम ना करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की मूलांक एक के साथ। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ए जे या एस से शुरू होता है, परिजनों से बहसबाजी के योग हैं, अपने गुस्से पर काबू रखें, दफ्तर के कामकाज में अधिकता रहेगी, आर्थिक चिंताएं परेशान करेंगी, उपाय ये करें कि तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। मूलांक दो की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 2/11/29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम बी के या टी से शुरू होता है, काम में बदलाव लाएंगे, ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहें, निजी संबंधों से कारोबार में लाभ होगा, परिवार के साथ में आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे, उपाय ये करें कि रात में दूध का सेवन ना करें। मूलांक तीन की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3/12/21 या 3/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम सी एल या यू से शुरू होता है, धन लाभ के योग है, कार्य क्षेत्र में छुटपुट बातों को तुल ना दें, कामकाज में लापरवाही से बचें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उपाय क्या करें, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक चार की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 4/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम टी एम या वी से शुरू होता है, ऑफिस में प्रमोशन के योग हैं, सहकर्मियों से सतर्क रहें, छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, दाम्पत्य में क्लेश के योग हैं, उपाय ये करें कि सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मूलांक पांच की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ई एन या डब्ल्यू से शुरू होता है, कारोबार में कुछ परेशानियां आएंगी, अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, कारोबार के लिए समय बेहतर है, रुके हुए कामों में कुछ डेवलपमेंट भी होगा, उपाय क्या करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। मूलांक छह की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एफ ओ या एक्स से शुरू होता है, आर्थिक क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव बना रह सकता है, दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी, कामकाज पर आप थोड़ा ध्यान नहीं दे पाएंगे,
कामकाज में भागदौड़ रहेगी, उपाय ये करें कि किसी भी मंदिर में दही का दान करें। मूलांक 7 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम जीपी या वैसे शुरू होता है, संतान के व्यवहार से कुछ दुखी रहेंगे, कारोबारी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, पुराने रोग कुछ परेशान आपको कर सकते हैं, बस अपनी भाषा पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखें। उपाय ये करें कि किसी भी धर्म स्थल में इमली का दान करें। मूलांक 8 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, जिनका नाम HQ या Z से, क्षमा कीजिएगा, खास व्यक्ति से लाभ होगा, कार्यक्षेत्र की स्थिति जो है वो कुछ अनुकूल रहेगी, बनते हुए कामों में हालांकि कुछ देरी जरूर हो सकती है, अपने खाने पीने पर पूरा कंट्रोल रखें। उपाय क्या करें, किसी जरूरतमंद की मदद। बात करेंगे मूलांक 9 के, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए आपको, आपकी बिगड़ी हुई सेहत में सुधार भी आ सकता है, कार्यक्षेत्र को लेकर आप कुछ तनाव में भी रहेंगे, हो सकता है इसकी वजह से आपके आत्मबल में कुछ कमी आ जाए, लेकिन तनाव से दूर रहिए, जोखिम भरे कामकाज करने से भी आपको बचना होगा। उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ। तो फ्रेंड्स, अब समय है आज के नामांक स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो वाद विवाद से आपको मुक्ति दिलवाएगा। देखिए, खास दिन है ये नवरात्रि की पंचमी का दिन है, ऐसे में देवी स्कंद माता के पूजन का विधान है, और बहुत विशेष दिन है क्योंकि इस दिन सन का ट्रांसिट भी हो रहा है, इस दिन विशेष रूप से बड़ा विशेष पर्व है, लक्ष्मी पंचमी का भी पर्व है। ऐसे में आप क्या करें, वाद विवाद से बचने के लिए देवी स्कंद माता का पूजन करें और देवी स्कंद माता पर काले उड़द चढ़ाएं, और चढ़े हुए जो काले उड़द हैं उसे गरीबों में दान करें। जितने भी वाद विवाद हैं, अश्योर कर रहा हूँ, उनसे निश्चित आपको मुक्ति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।